फ्री सोलो डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड मिला है। यह फिल्म क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण 3200 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करने के कारनामे पर बनी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एलेक्स यह कोशिश 2 साल पहले की थी। अब उनका नाम दुनिया के महानतम क्लाइंबर्स में शुमार है। खास बात यह है कि एलेक्स ने दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली योसेमाइट नेशनल पार्क की गर्गतुआन रॉक पर यह चढ़ाई सिर्फ 3 घंटे 56 मिनट में पूरी की थी। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी करीब 500 फीट ऊंची खड़ी चढ़ाई बनारसी के पूरी करने के लिए एलेक्स की हर तरफ तारीफ हो रही है। नेशनल ज्योग्राफिक ने उनकी चट्टान चढ़ने की डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। रिलीज के साथ ही फ्री सोलो डॉक्यूमेंट्री इतनी पसंद की गई कि इसे ब्रिटेन का बाफ्टा अवार्ड पहले ही मिल चुका है। सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने का खतरा था। अकेले पहाड़ चढ़ने वाले इस कारनामे को सोलो क्लाइंबिंग भी कहते हैं। हालांकि बनारसी के फ्री सोलो क्लाइंबिंग बेहद कठिन है। इसमें एक गलत फैसले, एक हाथ छूटने की गलती भी मौत की वजह बन सकती है। हालांकि एलेक्स का कहना है कि ऐसे मौकों पर वे सामान्य महसूस करते हैं। एलेक्स के मुताबिक बनारसी की चढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं होती, लेकिन मेरा हर कदम अच्छे से अभ्यास किया हुआ और देखा था। मजे की बात यह है कि प्रैक्टिस के दौरान हाथ छूटने का जोखिम भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में यह जानलेवा हो सकता है। महीनों पहले दिमाग में एक एक कदम की तैयारी कर ली जाती है। यह शारीरिक से ज्यादा मजबूत मानसिक स्थिति का खेल है। अगर आप डर रहे तो आप कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। एलेक्स मानते हैं कि फिल्म एक ग्लोबल सक्सेस से ज्यादा उनकी खुद की निजी सफलता दर्शाती है। 2 साल की मेहनत और एलेक्स के हर कदम पर बनी है डॉक्यूमेंट्री। नेशनल ज्योग्राफिक के लिए यह डॉक्यूमेंट्री लोकप्रिय फिल्म मेकर एलिजाबेथ चाय वसार हेली और जिमी चिन ने निर्देशित की है। इसमें एलेक्स होनोल्ड की तैयारी से लेकर उनके पहाड़ चढ़ने तक का सफर दिखाया गया है। खास बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए खुद कैमरामैनों को कई बार पहाड़ पर रस्सी के सहारे लटकना पड़ा। कई बार तो तेजी से चढ़ते एलेक्स से बचने के लिए कैमरों को उनसे दूर भी करना पड़ा।